हेलो गाइस, वेलकम टू एसीटेक। मैं चैलेंज सिखाता हूँ एसीटेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं चिलर में कौन से सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं या सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जो चिलर को मेजर ब्रेकडाउन से बचाते हैं। तो इसमें हम 10 पॉइंट्स देखने वाले हैं, टोटल 10 डिवाइसेस देखने वाले हैं। 10 लिस्ट है मेरे पास पूरी, वो हम देखने वाले हैं और वो क्या क्या काम करते हैं और कहाँ इंस्टॉल होते हैं और किस तरह से वो चिलर को बंद करते हैं, ये सब देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि अगर आप फ्यूचर में कहीं पे भी चिलर के लिए इंटरव्यू में जाएं या चिलर रिपेयरिंग के लिए जाएं, तो आपको ये सब चीजें मालूम हो कि चिलर में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस है और वो किस किस चीज पे ट्रिप हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा जो एप्लीकेशन है ऑल एसी एरर कोड डाउनलोड नहीं किया है, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में मैं डेली एक एक आर्टिकल डालता हूँ, सुबह एक शाम को। तो आप अगर एसी टेक्नीशियन है तो आपके लिए वो बेनिफिशियरी है। और दूसरी चीज, उसके अंदर काफी सारे कंपनीज के एरर कोड्स हैं, लगभग हमने 100 कंपनीज के एरर कोड उसके अंदर अपडेट कर रखे हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि चिलर में कौन से सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो चिलर को मेजर ब्रेकडाउन से बचाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचपी स्विच। ये सबसे कॉमन है, छोटे छोटे चिलर्स में भी होता है और बड़े चिलर्स में भी होता है। तो ये सिस्टम में क्या होता है, अगर सिस्टम का जो प्रेशर है, कंडेंसर साइड का जो प्रेशर है, वो डिजाइन प्रेशर से ऊपर जाता है, यानी R22 का अगर चिलर है उसमें नॉर्मली 300-350 PSI होता है, तो अगर वो 300-350 के भी ऊपर जा रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या काम करता है एचपी स्विच, चिलर को ट्रिप कर देता है कि आपका जो प्रेशर है एक लिमिट से बाहर चला गया है, कुछ बड़ा एक्सीडेंट ना हो, इसी वजह से एचपी स्विच एक्टिवेट होता है और चिलर को ट्रिप कर देता है। ओके, तो ये एचपी स्विच हाई साइड में लगा होता है सिस्टम के, और एचपी स्विच को हमेशा आपको रीसेट करना होता है। ओके, एक बार अगर वो ट्रिप हो जाता है तो उसे आपको रीसेट करके स्टार्ट करना होगा। इसके बाद जो नंबर 2 है वो है एलपी स्विच, लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच क्या है, अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, अगर हमारा R22 सिस्टम में है और वो 60 या 50 के कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होगा, चिलर कंटिन्यूस चलता रहेगा और जो कूलिंग है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि सिस्टम में प्रेशर नहीं है गैस लीकेज होने की वजह से या सिस्टम चोक होने की वजह से। तो क्या होगा कि जो सिस्टम का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये जो अगर सिस्टम का प्रेशर कम होता है तो ये जो एलपी स्विच है ये चिलर को ट्रिप कर देगा। और ये जो एलपी स्विच है ये होता है ऑटो रीसेट, इसे आपको रीसेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो चिलर अपने आप वापस चालू भी हो जाएगा। दूसरा हमने देखा था एचपी में आपको मैनुअली रीसेट करना पड़ता है। तीसरा जो चिलर का जो सेफ्टी डिवाइस है वो है एंटी फ्रीज। तो एंटी फ्रीज क्या काम करता है, एंटी फ्रीज क्या करता है, अगर आपका जो इवोपरेटर है उसी में किस कारण से है, जो इवोपरेटर में फ्लो बंद हो गया, ओके, इवोपरेटर में फ्लो बंद होने के कारण क्या होगा, जो अंदर रेफ्रिजरेंट है उसकी जो हीट एक्सचेंज नहीं होगी पानी में, पानी में अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो क्या होगा कि जो अंदर जो पानी है, इवोपरेटर के अंदर जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा माइनस में टेम्परेचर जाने की वजह से, क्योंकि पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इसी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी बर्फ बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि अगर पानी एक चीज में हम रखते हैं और उसे बर्फ बनाते हैं तो उसकी जगह एक्सपांड हो जाती है, क्योंकि बर्फ जब बनती है तो वो ज्यादा जगह लेती है, पानी कम जगह लेता है। तो इसी तरह से अगर हमारे जो इवोपरेटर है उसके अंदर पानी है और वो बर्फ बनेगा तो क्या होगा, जो अंदर की कॉइल है वो बर्स्ट हो जाएंगी और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, यानी वो चिलर जो इवोपरेटर है पूरा डैमेज हो सकता है। तो ये ना हो, इसी वजह से क्या यूज करते हैं हम एंटी फ्रीज। जैसे ही जो अंदर पानी है इसका जो टेम्परेचर है ये माइनस में जाएगा, ओके, माइनस में जाने स्टार्ट होगा, वैसे क्या होगा, आइस माइनस में जाने के बाद इसमें आइस बनती है, तो क्या होगा, माइनस में जाने के टाइम पे ये एंटी फ्रीज सिस्टम को ट्रिप कर देगा कि भाई इसमें जो है फ्लो का कुछ इश्यू है या आइस हो रही है, किसी भी रीजन से इसके अंदर आइस हो रही है, आप चेक कीजिए। ओके, तो ये हो गया एंटी फ्रीज। नंबर 4 है वाटर फ्लो स्विच। तो वाटर फ्लो स्विच लगा होता है चिलर में, इससे क्या होता है कि अगर इवोपरेटर या कंडेंसर, ओके, दोनों में भी किसी भी तरह से अगर पानी का प्रेशर कम होता है या पानी का फ्लो कम होता है तो क्या होगा, जो सिस्टम है ये उसे ट्रिप कर देगा, क्योंकि अगर कंडेंसर में फ्लो नहीं आया तो कंडेंसेशन नहीं होगा तो हाई प्रेशर जाने वाला ही है, और अगर इवोपरेटर में नहीं आया तो जैसा मैंने आपको बताया पहले आइस की इश्यू आएगी, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो जब तक फ्लो नहीं आता सिस्टम में चिलर चालू ही नहीं होगा, अगर चालू है तो चिलर ट्रिप कर देगा। नंबर 5 पर है फेज रिवर्सल। ये एक इलेक्ट्रिकल साइड है, तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स थे वो दोनों डायरेक्शन में हम कंप्रेसर चला सकते थे, कुछ इश्यू नहीं आती थी उसमें, लेकिन
जो स्क्रू कंप्रेसर है, स्क्रॉल कंप्रेसर है, ये एक ही डायरेक्शन में घूमने चाहिए। तो आपको मालूम है अगर थ्री फेज का कोई चीलर है, ओके, तो उसमें थ्री फेज है, अगर एक फेज हम उल्टी कर देते हैं तो जो मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ये चेंज डायरेक्शन क्या करेगी, ये सिस्टम नहीं चला सकती, इसमें प्रॉब्लम आती है, कंप्रेशन नहीं होगा, खाली आपका कंप्रेसर घूमता रहेगा लेकिन जो सिस्टम है वो कूलिंग नहीं करने वाला है, और भी डैमेजेस सिस्टम में हो सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर फेज चेंज होता है कोई भी, ओके, आप चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन पहले से कोई अगर फेज चेंज हो रहा है, उससे भी आपकी जो पॉइंट्स है उससे पहले किसी ने फेज चेंज किया है, तो यहाँ पे अगर वो फेज रिवर्स हो गया तो सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इसी वजह से क्या होता है, ये फेज रिवर्सल जो प्रोटेक्शन है ये चिलर को ट्रिप कर देता है, ताकि आप चेक कर सकेंगे फेज चेंज हुआ है तो आप उसको वापस सही तरीके से कर दीजिए, ताकि वो चिलर चालू हो सके। नंबर सिक्स पर है सिंगल फेज प्रिवेंटर। ये क्या करता है, अगर थ्री फेज का कंप्रेसर है उसमें कोई एक फेज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक फेज नहीं आ रही है, किसी कॉन्टेक्टर में प्रॉब्लम है या इनकमिंग में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वायर ब्रेक हो गई है कोई, तो अगर एक फेज नहीं आ रही है तो ये क्या करेगा, आपकी जो सिस्टम है उसे बंद कर देगा सिंगल फेज के ऊपर, ताकि आप चेक कर सकें क्या प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व कर सकें। ये कई सारे सिस्टम पे SPP अलार्म आती है, सिंगल फेज प्रिवेंटर, ऐसी अलार्म भी आती है, ताकि आपको पता चल सके कि सिस्टम सिंगल फेज पे ट्रिप हुआ है, आपको उसे चेक करना होगा। नंबर सेवन पर है ऑयल प्रेशर स्विच। सिस्टम में ऑयल बहुत जरूरी होता है और ऑयल का जो प्रेशर है कंप्रेसर में सभी जगह पे पहुंचना चाहिए। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में या स्क्रू कंप्रेसर में ये ऑयल प्रोटेक्शन स्विच यूज होता है, ताकि क्या है, जो सिस्टम में है ऑयल का जो प्रेशर मेंटेन रहे, अगर किसी कारणवश ऑयल नहीं पहुंच पा रहा है, प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा है, तो ये सिस्टम को बंद कर देगा, क्योंकि अगर ऑयल नहीं पहुंचता है तो कंप्रेसर चलने की वजह से क्या होगा, सीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से कुछ बड़ा डैमेज नहीं हो, इसी वजह से ये जो ऑयल प्रेशर स्विच है ये चिलर को ट्रिप कर देता है, ताकि हम चेक कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्व करके चिलर फिर से चालू कर सकें। नंबर एट पर है कंप्रेसर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर किसी कारणवश मोटर का जो टेम्परेचर है, हमारे कंप्रेसर की जो मोटर है उसका जो टेम्परेचर है वो एक डिजायर लिमिट से ऊपर जाता है, तो क्या होगा, जो हमारी वाइंडिंग है वो जल जाएगी, ओपन हो जाएगी या ग्राउंड हो जाएगी, तो ये एक मेजर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये ना हो, इसी वजह से जो मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है टेम्परेचर जैसे ही ऊपर जाएगा ये हमारे चिलर को ट्रिप कर देगा, ताकि हम चेक कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के बाद हम वापस चिलर चालू कर सकते हैं। नंबर नाइन पर है ऑयल लेवल स्विच। तो काफ़ी सारे जन जो हैं चिलर में काम करते हैं उनको मालूम होगा कि बड़े चिलर्स में ऑयल सेपरेटर होता है। ऑयल सेपरेटर में क्या होता है, जो डिस्चार्ज लाइन के थ्रू ऑयल चला जाता है हमारे रेफ्रिजरेंट के साथ, वो ऑयल सेपरेटर में जमा हो जाता है और वहाँ से वो कंप्रेसर में वापस आ जाता है। तो ये अगर ऑयल सेपरेटर में जो ऑयल लेवल स्विच लगा होता है, अगर ये ऑयल सेपरेटर में एक लेवल से नीचे अगर ऑयल चला जाता है तो सिस्टम में जो कंप्रेसर है इसमें कुछ बड़ी ब्रेकडाउन हो सकती है, क्योंकि वो ऑयल वापस कंप्रेसर को नहीं जाने वाला है, ऑयल लेवल कम है ऑयल सेपरेटर में, तो ये सिस्टम को ट्रिप कर देगा, ताकि जो मेजर कुछ हमारे सिस्टम में एक्सीडेंट ना हो या मेजर ब्रेकडाउन ना आए। नंबर टेन पर है रिलीफ वॉल। रिलीफ वॉल क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, ओके, ये मैकेनिकल वॉल है एक। ये क्या करता है, अगर आपका जो कंडेंसिंग प्रेशर है ये एक लेवल के बाहर जाता है, जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में हाई प्रेशर कट आउट और कंडेंसर में क्या होता है फ्लो स्विच, ये दोनों भी अगर किसी ने बायपास कर दिए हैं, ओके, ये दोनों भी अगर किसी ने बायपास कर दिए कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन ये जो सिस्टम है ये चल रहा है, फिर चल रहा है अगर कंडेंसर का अगर फैन बंद हो गया और दोनों सिस्टम बायपास है, तो क्या होगा, कंडेंसर का प्रेशर बढ़ते जाएगा और वो ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि अंदर जो रेफ्रिजरेंट है इसका प्रेशर एकदम वापस कंप्रेसर में जब रेफ्रिजरेंट घूम के आएगी तो और उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसी वजह से क्या होता है, एक जो कंडेंसर होता है उसमें एक रिलीफ वॉल लगा होता है। समझिए अगर 250 प्रेशर में हमारा नॉर्मली 250 से 300 प्रेशर रहता है, 22 का 300 तक चला जाता है ऑयल चिल, ऑयल अगर कूल्ड कंडेंसर है तो 300 तक गया अगर प्रेशर 22 का, तो 350 में हमारा हाई प्रेशर स्विच काम करता है, या 350 जब प्रेशर जाएगा उसके ऊपर जाएगा तो हाई प्रेशर स्विच ट्रिप कर देगा। अगर उसने काम नहीं किया तो क्या होगा, हमारा जो रिलीफ वॉल है वो 500 PSI जाने के बाद में वो रिलीफ हो जाएगा, यानी वो ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जो रेफ्रिजरेंट है वो एनवायरनमेंट में ओपन हो जाएगी, तो इस वजह से जो सिस्टम है वो जो ब्लास्ट होने वाला था वो बच जाएगा, और सिस्टम की जो रेफ्रिजरेंट है वो तो एक्चुअली चली जाएगी लेकिन जो ब्लास्ट होने वाला था वो नहीं होगा। अगर समझो वो 500 पे उठता है रिलीफ वॉल, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक सिस्टम है, मैकेनिकली सिस्टम है कि वो
अपने आप भी दब जाता है, ऐसा नहीं कि अगर रिलीफ वॉल ओपन होता है तो कंटिन्यूस पूरा का पूरा आपका रेफ्रिजरेंट चला जाएगा, ये सिस्टम नहीं है। अगर जितना प्रेशर ऊपर हो रहा है वो एक लिमिट से थोड़ा रेफ्रिजरेंट छोड़ देगा, ताकि जो सिस्टम में प्रेशर है वो कम हो जाए और जो कंडेंसर का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थे 10 पॉइंट्स जो चिलर्स में यूज होते हैं, अलग अलग सेफ्टी डिवाइसेस चिलर्स में यूज होते हैं। आपको ये कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।